बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूँ आफ्ताब अहमद। आप देख रहे हैं आल टिप्स वीडियो यूट्यूब चैनल। आज सऊदीया एयरलाइन की बैन अल-अक़वामी प्रवाज़ों के हवाले से अहम खबर। सऊदी अरब की एयरलाइन सऊदीया ने अपने एक बयान में कहा है कि सऊदी अरब आने वालों के लिए बैन अल-अक़वामी प्रवाज़ें आइंदा ऐलान तक मुअत्तल रहेंगी। अरब न्यूज़ के मुताबिक एयरलाइन ने सऊदी अरब के ऐसे हकामा होल्डर जो कोरोना वायरस के बाद से सऊदी अरब से बाहर हैं उनकी वापसी के लिए ज़ाबत जारी किए हैं जो सफरी शराइत पर मबनी हैं। सऊदी एयरलाइंस के मुताबिक सऊदी अरब में मौजूद हकामा होल्डर्स और वापसी के ख्वाहिशमंद वजारत दाखिला की वेबसाइट पर अबशर के जरिए जारी अहदा प्रोग्राम पर अंदराज कराएँ। अबशर की वेबसाइट पर अहदा प्रोग्राम में हकामा नंबर, तारीख पैदाइश, राबते के लिए मोबाइल नंबर, रवानगी का शहर और आमद का हवाई अड्डा जैसी मालूमात फराम करना होंगी। इन तमाम मालूमात की फरहमी के लिए गैर मुल्कियों का अबशर की वेबसाइट पर अकाउंट होना ज़रूरी नहीं। अल सऊदीया की जानब से वजाहत की गई है कि मखसूस सफरी शराइत के बारे में अक्सर अफवाहें गर्दश करती रहती हैं। सऊदी अरब में वापस आने वालों को इस फॉर्म के जरिए अपनी सेहत से मुतलक मतला करना और एयरपोर्ट पर उतरते ही उसे हेल्थ कंट्रोल सेंटर के अहलकारों को देना होगा। उसके बाद 7 दिन तक खुद को घर तक महदूद रखना होगा। दीगर ये कि ऐसे तमाम मुसाफरों को वापस पहुंचते ही वबाई मर्ज से मुकम्मल आगाह रखने के लिए वजारत सेहत की तत्मन ऐप पर अंदराज करना होगा। इस ऐप में अंदराज का मकसद यहाँ पहुंचने वालों की सेहत से मुतलक मुस्तकिल पैरवी करने के अज़म को यकीनी बनाना है। इसके साथ एक और ऐप तवक्कलना पर भी अंदराज कराने की ज़रूरत है जिसमें कोरोना वायरस की अलामात ज़ाहिर होने के बाद मुमकिन इन्फेक्शन से महफूज रखने के बारे में हदायात और मदद फराहम की जाएगी। इसके अलावा सऊदी एयरलाइंस ने यह भी सफरी ज़वाबत जिन ममालिक के लिए जारी किए हैं उनमें मुत्तहद अरब अमारात, कुवैत, ओमान, बहरीन, मिस्र, लबनान, तेमस, मराकश, चीन, बरतानिया, फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, यूनान, बांग्लादेश, फिलीपाइन, मलेशिया, जनूबी अफ्रीका, सूडान, एथोपिया, कीनिया, नाइजीरिया और इंडोनेशिया शामिल हैं। वाजिया रहे कि सऊदी अरब ने कोरोना वायरस के फैलाव को महदूद रखने की गर्ज से इकदाम करते हुए गैर मुल्कियों की सऊदी अरब वापसी के लिए 15 मार्च से बैन अल-अक़वामी प्रवाज़ें मुअत्तल कर रखी हैं। अंदरूनी मुल्क प्रवाज़ें मुकम्मल एहतियाती तदाबीर के साथ 31 मई से दोबारा बहाल की गई हैं। ये तो फ्रेंड्स अभी तक की सऊदी न्यूज़ अपडेट जो कि सऊदीया एयरलाइंस की जानब से थी। अगली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाजमी से लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।